नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको हीरा मंडी की गलियों में ले चलेंगे और रूबरू कराएंगे उस दौर से जब उन गलियों में प्राण साहब घूमा करते थे। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी अब हम सबके बीच है और इसने एक बार फिर लाहौर की हीरा मंडी को प्रकाश में ला दिया है। वो हीरा मंडी जो भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले तवायफों का ठिकाना हुआ करती थी, जहां वो पूरे सम्मान के साथ रहा करती थी और उन दिनों हीरा मंडी में घुंघरुओं की आवाज़ गूंजा करती थी। संगीत, संस्कृति, अदब, सब कुछ तवायफों के रहन सहन में था। ये सीरीज उन्हीं तवायफों के जीवन और उसी हीरा मंडी को पर्दे पर दिखाने वाली है। लेकिन लाहौर की उसी हीरा मंडी से अपने दौर के एक शानदार एक्टर रहे प्राण की भी एंट्री सिनेमा में हुई थी, सिनेमा की दुनिया में हुई थी और फिल्मी अंदाज में। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको प्राण साहब और हीरा मंडी का किस्सा सुना रहे हैं। अभिनेता प्राण की फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो फोटोग्राफी के पेशे में रमे हुए थे। वो जिस कंपनी में थे उसी ने लाहौर में एक शाखा खोली थी, एक ब्रांच, जहां प्राण साहब को भेजा था। बन्नी रूबेन की किताब और प्राण में इसका जिक्र है कि प्राण जब लाहौर पहुंचे थे तो उन्होंने फोटोग्राफी का काम इतने अच्छे से सीख लिया कि न सिर्फ उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई बल्कि उन्हें वहां का इंचार्ज भी बना दिया गया। और प्राण साहब उन दिनों तांगा रखा करते थे, मिजाज शौकीन थे, उनका रहन सहन भी खर्चीला और रुआब वाला था। वो अक्सर लाहौर के हीरा मंडी के राम लुभाया की दुकान पर पान खाने और अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। हीरा मंडी की मौज मस्ती में वहां मिलने वाले विभिन्न किस्म के पान भी शामिल थे और इनकी ख्याति ऐसी थी कि नियमित रूप से उस इलाके में न आने वाले लोग भी पान का लुत्फ उठाने अक्सर आया करते थे। और अपने दोस्तों के साथ प्राण साहब हीरा मंडी में रंगीले राम भुलाया लुभाया की दुकान पर पहुंचे और पान का ऑर्डर दे दिया। सभी दोस्तों के लिए अलग अलग किस्म के पान तैयार हो रहे थे। दोस्तों के बीच हंसी मजाक जारी था और इसी बीच एक शख्स की नजर गोरे चिट्टे और रौबदार कदकाठी वाले प्राण पर ठहर गई। वो प्राण को एकटक घूरते रहे। प्राण को अटपटा लगा तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शख्स का घूरना जारी था और यहीं से प्राण की किस्मत पलटने वाली थी। वो शख्स प्राण के पास आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्राण उस अधेड़ शख्स के घूरने के अंदाज से कुछ चिढ़े हुए थे और पलटकर कहा, आपको इससे क्या करना है? शख्स ने प्राण को शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि मुझे गलत मत समझिए, मेरा नाम वली मोहम्मद वली है और मैं एक लेखक हूं। मशहूर फिल्म निर्माता दलसुख एम पंचोली ने मेरी एक कहानी पर फिल्म बनाई है और अब मैं उनके लिए एक और फिल्म लिख रहा हूं। मैंने आपके पान खाने के अंदाज पर गौर किया, उसमें मुझे कुछ कुछ धमकाने का सा रंग लगा। आपका ये रूप रंग मेरी कहानी के किरदार से मेल खाता है, क्या आप फिल्म में अभिनय करेंगे? फिल्म का नाम था यमला जट और ये पंजाबी भाषा की फिल्म है। और इतना ही नहीं, मोहम्मद वली ने अगले दिन सवेरे 10 बजे पंचोली स्टूडियो आने के लिए भी कह दिया। हैरानी की बात तो यह है कि फिल्मों में करियर बनाने के लिए जहां स्टार्स निर्देशकों के चक्कर लगाते हैं, वहीं प्राण ने हाथ आया ऑफर ठुकरा दिया। उल्टा निर्देशक और राइटर ने उनकी खुशामद की कि ये रोल कर लीजिए, बिल्कुल आपके किरदार पर फिट बैठता है। बन्नी रूबेन की किताब एंड प्राण के मुताबिक प्राण साहब को यकीन नहीं हुआ कि फिल्म का प्रस्ताव वास्तविक है, इसलिए उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। एक दिन अचानक वली मोहम्मद से प्राण फिर प्लाजा सिनेमा हॉल में टकरा गए और वहां पर प्राण को देखते हुए वली मोहम्मद ने नाराजगी जाहिर की। प्राण ने माफी मांगते हुए मुलाकात के लिए जाने का वादा किया और इस बार वली मोहम्मद खुद प्राण को लेकर स्टूडियो पहुंचे। पंचोली स्टूडियो पहुंचकर पहले ही स्क्रीन टेस्ट की व्यवस्था थी और फिल्म के निर्देशक मोती बी विडवानी ने प्राण का मेकअप किया।
गिडवानी और पंचोली साहब दोनों को प्राण का लुक पसंद आया और इस तरह लाहौर के हीरा मंडी के पान की दुकान पर पान खाने वाले प्राण साहब, जो अनोखे अंदाज से पान खाया करते थे, पंजाबी फिल्मों से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्राण साहब किस तरीके से चमके, किस तरीके से उन्होंने अपना लोहा मनवाया, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।